बात के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुवार की प्रकृति छिप रहे हैं। यह दिन ब्रह्मा और भगवान विष्णु जी को समर्पित है। बृहस्पति का दिन माना जाता है, बृहस्पति देव को भी समर्पित है। भाग्य जागृत करने और लंबी आयु के लिए गुरुवार का व्रत अवश्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति गुरुवार का व्रत रखते हैं, गुरुवार को मंदिर जाते हैं, उनके सभी मनोरथ गुरुदेव पूर्ण करते हैं, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी पूर्ण करते हैं। तो मित्रों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से ऐसे कार्य जिसे करने से बचना चाहिए, अन्यथा गुरुदेव बृहस्पति नाराज होते हैं, भगवान विष्णु जी नाराज होते हैं। इससे पहले मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम जरूर आते, फिर बाद में हमें चल करके पछतावा होता है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। वीडियो में बताया गया जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दिन शेविंग नहीं करना चाहिए, शरीर का कोई भी बाल नहीं काटना चाहिए, अन्यथा संतान सुख में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इस दिन नाखून भी नहीं काटना चाहिए, जो व्यक्ति नाखून काटते हैं तो इस दिन धन की हानि होती है। दक्षिण पूर्व नैऋत्य में यात्रा करना भी इस दिन वर्जित होता है, खासकर अगर आपको ज्यादा काम है तो दक्षिण दिशा में आप जो है यात्रा कर सकते हैं, इससे दिशा शूल भी रहता है। यात्रा एकदम आपको जरूरी है तो मुंह में थोड़ा सा दही या जीरा खा करके अवश्य बाहर निकले, इससे आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। गुरुवार को ऊपर से नमक डाल करके सब्जी में नहीं खाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। नमक खाने से जो गुरु ग्रह होते हैं कमजोर होने लगते हैं। इस दिन दूध और केला खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन भूल करके दूध और केला नहीं खाना चाहिए, इससे भगवान विष्णु नाराज होते हैं और गुरुदेव जो होते हैं कमजोर होने लगते हैं। मित्रों, इस दिन काले कलर के कपड़े भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि काले कलर राहु और केतु का प्रतीक है। गुरु राहु और केतु एक दूसरे का शत्रु है। साथ ही मित्रों, इस दिन पोछा लगाना भी वर्जित माना गया। ऐसा करने से गुरु ग्रह अशुभ प्रभाव देने लगते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में भाग्य की जगह दुर्भाग्य आने लगते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, क्योंकि इससे गुरु ग्रह कमजोर होता है। कहा जाता है कि इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आने लगती है, उनके भाग्य बिगड़ने लगते हैं, घर में दरिद्रता आने लगती है। साथ ही दर्शकों, गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़े हुए सामान कभी भी खरीद करके नहीं लाना चाहिए। आंखों से जुड़े कोई भी वस्तु है, कोई धारदार वस्तु जैसे कि चाकू, कैंची, बर्तन, ये भी खरीद करके नहीं लाना चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन में काफी परेशानी आने लगती है। तो आप भी गुरुवार के दिन इन कार्यों को करने से बचे, अन्यथा आपको भयंकर नुकसान हो सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी औरों को भी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।